दर्शक बंधु कहुए दुनिया रे एपरी किसी अदृश्य शक्ति अच्छा जे कि संभोगर भोकिला होता आमान नजर खसिकी चलीजा एत भी सहज हो न थाए। तेबे एपरी एक कहानी संपर्क में चलतु जाना आज ही एपिसोड्रे। कहानीटी रोहन जे कि जीवन बहुत झड़ तोफान सामना करिछि परंतु सबु बाधा विघ्नर सामना करी आज से मजबूत भाव में ढड़ा होइछि। तेरे दर्शक बंधु आपण मन में निश्चय एटी गोटे प्रश्न उंकी मारुथबो कि प्रकृत में रोहन सह एपरी केउ घटना घटी थिला। तेबे समय को बेसी नष्ट न करी चलंतु आरंभ करिबा आज ही एपिसोड को। दर्शक बंधु रोहन घर शांतिपुर गाँव रे आ गाँव रे ए सब घटना घटिबा स्वाभाविक कथा, किंतु केतक लोक गाँ छाड़ी सहर रे रुहंती एवं किछि वर्ष सहर रे बिताया परे गाँव को फेरी आसंती आउ गाँव को आसी तांकर भाषणबाजी आरंभ कर दियंती। रोहन पाखापाखि 12 वर्ष पर गाँव को फेरी थाए। सही दिन राति रे गाँवर जड़े वृद्ध व्यक्तिर अचानक मृत्यु होगला जार खबर पूरा गाँव व्यापीगला। तेणु से वृद्ध व्यक्तिर प्रिय परिजन एकाठी मिशि ताकू श्मशान को नेबार बंदोबस्त कले। आउ श्मशान को नेबा बाटरे से वृद्ध व्यक्तिर शरीर में अचानक जीवन आसीगला एवं से कोकईर उठी उपरक बसी पड़ा। यह देखि समस्त होश एकदम उड़ीगला कहीं जड़े मृत व्यक्ति अचानक एमती उठी बसी पड़ा कौन से असंभव ठार कम नाला। आउ एसबू दृश्य रोहन आखि सामने घटित होता है, किंतु एसबू कहीं के रोहन मुंडे कि बसुन थाए कहीं रोहन बयस मात्र 19 वर्ष होता है। तापर से वृद्ध व्यक्ति को तार संपर्क मैंने घर को नहीं आसिले, किंतु किसी समय पूर्व से वृद्ध व्यक्ति सह घटित से सबु घटना गाँवर प्रायतः लोक कहीं विश्वास करें ना। से मैंने एसबू को भगवान चमत्कार बोली भावुले, परंतु रोहन जेहेतु सहर में पाठ पढ़ी छोटर बड़ हो तेणु एसबू पछरे विज्ञान कौन से कारण रही से बेचना करुए। से ही दिन संध्या रोहन घर बाहर बुलुए एवं मौसम अनुमान करुए। से दिन मौसम अंदाज ताकू कि ठीक लगुन थाए मन होता है जमी कौन से एक बड़ विपत्ति अचानक माड़ी आसो। शीत दिन से सुलसुलिया थंडा पवन देहरी जमी एक सिहरण खेल देउथाए। रोहन किसी समय बाहर छिड़ा होई एसबूर अनुध्यान करुए कि अचानक ता व्यतीत ताकू कहार पादर शब्द शुभा लगिला। तेणु रोहन टिके डरी जाई तार पाद को पछक घुंचाई नेला एवं 2 पाद पछक लेउटी जाई घर दुआर बंध पाखे पहुंचला तो ताकू तार चारिपाखर सेमती कहीं भी नजर आसिलेनी। तेणु यह ता मनर भ्रम होता भावी से घर भीतर को चलीगला। रोहन गाँव को आसार प्राय 10 दिन बीती सारी थाए, किंतु आज पर्यंत ताकू सेमती किछि अजब अनुभव होई न थाए। गाँवर माहौल ताकू एकदम नॉर्मल लगुए, किंतु प्रथमे प्रथमे गाँवर किछि लोक ता मनरे भयर आभासी जागृत करबा लागिथिले। सेमानक कहिबा मुताबक गाँवर एपरी एक अदृश्य शक्तिर साया घुरी बुलुछि जे कि संभोगर भोकिला अछि आउ ता सामने शक्तिशाली नौजवान भी मुंड नुआई दियंती। किंतु रोहन एसबू कथारे विश्वास करन थाए, खास करी भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति उपरे। आउ जेहेतु रोहन बहु वर्ष पर गाँव को आसी थाए तो सेते से घर बाहर को बाहर न थाए जहाँफल गाँव तार से सांग हो पार नथिले। किंतु दिन पर दिन बीत्या परे रोहन क्रमशः नुआ सांग होबार लागिले, जहाद्वारा रोहन स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन होबाक लागिला एवं से अन्य ग्रामवासी भली गाँव में रहिबाक लागिला। परंतु एबे भी ता मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुथाए कि से दिन से वृद्ध व्यक्ति संपूर्ण भावे मृत्युवरण करिके भी केमिति जीवित होइगला। काहेकिना विज्ञान एबे भी एपरि किछि मत देइनी जेउथिरु प्रमाणित होइ पारिबो कि जने मृत व्यक्ति भी पुनर्बार जीवदान पाई पारिबो। परंतु द्वितीय बार जीवदान पाइथवा से व्यक्तिर कहिबा मुताबिक मृत्यु समय ताकू जेमिति लागुथिला से पानी रे पहुरुची आउ ता चारि पाखरे नील समुद्रर पानी लहड़ी मारुची। से व्यक्तिर एसबू कथारे गाँवर किसी लोक विश्वास करुले तो अन्य पटे आउ किसी लोक एसबू को एक भूल बुझामणा भावुले। दिनकर घटना दिने संध्या अर्थात संध्या प्राय 5टा बेलू रोहन गाँ पाख एक जंगल रास्ता आड़े टिके भ्रमण अभिमुखे बाहरी गला। से सुनसान जंगल रास्तार केवल रोहन को छाड़देले अगर कहीं भी नथिले कहीं से जंगल रास्तार पड़ा सुखिला पत्रर पाद तले चापी होबार शब्द रोहन कान को स्पष्ट भाव में शुभुए। रोहन से जंगल रास्तार उभ पाखर लगी बड़ बड़ गछ सबू को अनुध्यान कर आराम आगू को बढ़ुता है कि अचानक ताको मन है जमीती कहीं साइड दे आगू को क्रॉस करगला। रोहन एकदम चमकी पड़ा एवं चमकी पड़ी चारिपाख टे नजर बुलाई देखला, किंतु ता चारिपाखे केवल बड़ बड़ गछ एवं ताको छाड़देले तृतीय पुरुष आ कहीं भी नथिले। किंतु सामान्य किछि दूर आगुक आसा पर ताठार मात्र किछि मीटर दूर रे ताकू कहि जने स्त्री लोक लाल साड़ी पिंधि छिड़ा होइथार नजर आसिला। जे कि एक गछ मूल रे छिड़ा होई किछि करूथार मन हेउथिला। रोहन से सुनसान जंगल रास्ता रे जने स्त्री लोक केमिति एकुटिया छिड़ा होइथार देखि ता मन रे व्याकुलता जागृत हैला। काहेकिना रोहन एमिति एक बयस दे गति करूथाए जेउठी मन रे ए सब भावना जागृत हेबा स्वाभाविक कथा। तो अन्य पखरे से लाल साड़ी पिंधा स्त्री लोक देखिया को पूरा सुंदर नजर आसुथिला, परंतु ताकू देखि मन होउथिला जेमिति से सुनसान सड़क रे कहार आसीबार बाट को अपेक्षा करिछि। किंतु से स्त्री लोकर सुंदरता रोहन को तार बसवर्ती करि सारि थाए। रोहन एबे ता कंट्रोल ले थाए, तेणु रोहन ता सुंदरतार मुग्ध होई ता पाखकु टाणी होई जाउ थाए एवं से स्त्री लोकर शरीर को स्पर्श करिया पई ता हाथ को आगु को बढ़ाउ थाए कि हठात ता गोड़ रे कोनसे को जिनिस लागिगला। तो से जिनिस कौन बोली देखिया पई जेतले रोहन ता हाथ रे से जिनिस को बाहर करी देखे तो ताहा एक बाउंस कंटा थाए। रोहन से कंटा को ता गोड़ रो बाहर करी जेतले ता मुंड को ऊपर को उठाए तो सामनार दृश्य ता पाद तोल माटी खसे देला। काहे किना ता सामना रे बे केही भी न थांती। निज आखि सामना रे ए परे एक अजब दृश्य देखि रोहन किछि भी बुझि पार न थाए कि प्रकृत रे घटना कोन। तेणु रोहन से जगार जल्दी घर को आसे पई चेष्टा करू थाए। और फेरिया पूर्वरु से पुनर्बार द्वितीय थर ता चारिपाख टिके नजर बुलाई देखु थाए कि सतरे से स्त्री लोक अचानक एमती कड़े अदृश्य हो गला। यह भावी रोहन तार चलिबार स्पीड को दुईगुणित करी सेठू घर को चली आसला। सेतबेलकु रोहन काफी थकी जाई थाए, परंतु घरे पहुंची देखे तो ता घरर माहौल भी किछि बिगड़ा बिगड़ा लागु थाए। घरर प्राय सबु बासन बाहर फिंगी होई पड़ी थाए एवं घरर बाकी जिनिस पत्र भी एणे तेणे फोपाड़ी होई रही थाए। मन होता है जमी कौन कथा को नहीं घर लोकों भितर गोटे बड़ जुक्तितर्क होइछि। रोहन ए सब देखि मनरे चिंता करुथाए कि आजिर दिनटा ता पई बहुत बड़ गोटे खराब दिन थिला। कोनोसी भी गोटे भल जिनिस आज ता सह घटिनी। परंतु ए सब बाद से जंगल रास्तार भेट होइथा से स्त्री लोक रोहन मुंडर बाहरी बार न थाए। तार चेहरा रोहन को पूरा मंत्रमुग्ध करि सारि थाए। बारंबार से स्त्री लोकर चेहरा रोहन आखि सामने नाचि उठुथाए। तेणु रोहन मन में से स्त्री लोक को पुनर्बार देखार लालसा जागृत होता है। से मन में निश्चिंत कर सारी थाए कि परदिन सन्धार से पुणी थे से स्त्री लोक को देखा से जंगल आड़ को जीव। से दिन रातिटा रोहन केवल से स्त्री लोकर चिंतार कटिगला। परदिन सकाले रोहन तार सब काम को फटाफट सारीदे सन्धार से ही समय को अपेक्षा कर बसी थाए कि केतबेले से समय आसी पहुँच। देखु देखु सन्धार से ही समय भी आसी पहुँचीगला जेतेबेले रोहन को से स्त्री लोक को देखा करिया पई जंगल आड़ को जिबार थाए कि ठीक से ही समय रोहन मोबाइल फोन बाजी उठिला। तेणु रोहन फोन उठाई कहा सह कथा हेबाक लागिला। एमिति फोन कथा हेबा भितर झिपझिप वर्षा पड़वा आरंभ हो गला, जहा देखि रोहन से जंगल आड़े जिबार प्लानिंग को कैंसल करिया को बाध्य होला। तापरे रोहन घरे बसी वर्षा छाड़िबा को अपेक्षा करि थाए, किंतु भाग्य को से दिन वर्षा छाड़िबार ना धरन थाए। सेमिति झिपझिप वर्षा लागि रही पड़ु थाए। बहुत समय अपेक्षा करिया परे जेतेबेले वर्षा छाड़िला नहीं सेतेबेले रोहन सियोर होइगला और से जंगल आड़े जाई परिबो नहीं। सेतेबेले से संध्यार समय भी अतिवाहित होई सारि थाए, परंतु रोहन मन रे से स्त्री लोक को भेटि न परिवार अफसोस बाधा सृष्टि करू थाए। एमिति से स्त्री लोकर चिंता करू करू केतेबेले राति आसी 12:30 होइगला। रोहन को जणा ही पड़िलानी। ता उपरे बाहर झिपझिप वर्षा भी सेमिति लागि रही थाए। एबे रोहन आखि को धीरे धीरे निद आसियाक लागु थाए कि अचानक रोहन कबाट बाहरु कहार जोर जोरे ठक ठक आवाज सुबाक लागिला। रोहन हड़बड़ी रे निदर उठी सर्वप्रथमे घड़ीर टाइम देखा को लागिला। तो सेतेबेलकु घंटारे समय होथाए राति पाखापाखि 12:30। राति 12:30 समय देखि रोहन मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुथाए, भला एते रातिरे पुणी झिपझिप वर्षा समय किए बाहर कबाट बाड़ौछि? तेणु किए होइथो भाभी जेतेबेले रोहन कबाट पाखो जाई कबाट फांकरे बाहर को देखे तो सेई कबाट फांकरे ताकू कहार आखि नजर आसिला, जे कि समान ढंगरे रोहन को मधे से कबाट फांकरे देखुथाए। या देखि रोहन दुई पाद पछो घुंची आसिला एवं कबाट तले निजर मुंड को तळकु करी बाहर पाखो को देखिया को लागिला। तो कबाटर ठीक बाहर पाखे ताकू कहार दुईटी सुंदर पाद नजर आसिला। रोहन ए सब देखि तार साहस होनु थाए कबाट खोली बाहर को देखिया पई। तेणु रोहन भयरे छानिया होई बेडरूम रो खट तले जा लुचि गला। वास्तविक रूप रे रोहन तो ए सब रे विश्वास करेनी कि बाहर कोनसी कला साया छिड़ा होइछि बोली, किंतु काहे के जानि ता मन रे एक अजणा डर ताको कब्जा करनी थाए। तेणु रोहन ता घर कबाट न खोली सेमिति खट तले लुचि रहा। क्रमशः से कबाट बाड़ार शब्द रोहन कान को शुभा बंद हो गला। रोहन सेमिति से खट तले लुचि रही थाए। एमिति खट तले लुचिया भितर केतेबेले तार आखि लागि जाइछि एवं से गभीर निदरे सोई पड़िछि ताको जाना नहीं, किंतु जेतेबेले तार आखि खोले सेतेबेलकु राति भाई सकाळ होई सारि थाए। किंतु रोहन से अवस्था रोहन को मध्य विचलित करू थाए। रोहन एवं खट तल परिवर्ते खट उपरे सोई थाए एवं ता शरीर सबु कपड़ा खोला होई एणेतेणे पड़ी थाए एवं ता शरीर ताको पीड़ा अनुभव होताए। मान से पीड़ा एत अधिक थाए कि से निज गोड़ उठी छिड़ा भी हो पार न थाए। तेणु से संगे संगे डॉक्टर को पाखो चलीगला। डॉक्टर ठारू किछि औषध खाया परे ता शरीर जंत्रणा टिके उपशम मिलिला, किंतु रोहन बुझी पार न थाए कि से खट उपर को आसिला केमिति आ ता देहरे एपरि जंत्रणा केमिति होला। सेही घटनार ठीक 2 दिन बाद रोहन घरे एका थाए एवं से दिन से खुशी मिजाजर नजर आसुए कि ठीक सही समय घर कबाट पुनर्बार ठक ठक करने को लगिला। सेतेबेलकु राति प्राय 12टा हेबो, किंतु एथर रोहन आ कांथघंटा न देखि अन्यमनस्कर घर कबाट खोलीदेला। तो घर बाहर दृश्य रोहन आखिरे एक चमक सृष्टि कला। घर बाहर से स्त्री लोक छिड़ा होई थाए जाहाकु 2 दिन तले रोहन से जंगल रास्तार देखिथिला। आखि सामना रोहन से स्त्री लोक देखि निजको संभाली पारलानी एवं तासो संभव करिया को लागिला, किंतु रोहन जानि नथिला कि प्रेम रे पागल होई से ता निज मृत्यु को डाकी आनिछि। बहु समर पीरति पर भी से स्त्री लोकर आत्मसंतुष्टि होई न थाए, परंतु रोहन से तलको से अवस्था रे न थाए कि से किछि कहि पारिबो कि काहा को पाटी करी डाकी पारिबो। रोहन ता आखि सामना ता निजर मृत्यु को देखि पारु थाए। तेणु विकल रे रोहन खूब जोर चित्कार करिया को लागिला। राति अधरे रोहन घर एपरी विकल चित्कार शुणी पाख पड़ोशी ता घर को धाई आसिले। तो से दलको रोहन हाल बेहाल हो सारी थाए। तेणु पाख पड़ोशी आ समय नष्ट न करी ताको संगे संगे डाक्तरखाना नहीं गले। बहुदिन डाक्तरखाना चिकित्सा हेबा परे रोहन शेषरे जाई सुस्थ हैला, किंतु गाँ लोकों को कहिबा मुताबक से भोकिला नारीर प्रेम रे मुग्ध होई जे ता जाल रे फसिछि से पुनर्जन्म पाइनी। परंतु रोहन जेहेतु एक हटाकटा सुस्थ सबल नौजवान थिला सेथिपाई ता जीवन बंचीगला, नचेत एपरी घटना पर से गाँर कौन भी नौजवान जीवन फेरी पाई ना। कहुए आज भी से भोकेला नारीर आत्मा से गाँव युवकर सन्धान घूरी बुलुची। तेरे दर्शक बंधु ये तो थिला आजिर कहानी। कहानीटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबा सह भिडियोटी गोटे लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, जहा फलरे आम चैनल माध्यम रे प्रसारित प्रतिटी भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आउ आपणको पाखरे जदि एपरि किछि भयानक कहानी अछि तबे हम सह शेयर करि परिबे। आम इंस्टाग्राम आईडी रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। तबे दर्शक बंधु आज पाई तो एतिकी, पुणी देखाबो आउ एक भयर एपिसोड रे एमिति आउ एक भयंकर कहानी सह। सेते पर्यंत विदाय दियंतु, धन्यवाद।